हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा मन है कि मैं समोसे बनाऊं, तो आज जो समोसे हैं उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। आज एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा मूड है और मुझे कुछ बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने का मन हुआ है, तो मैंने सोचा है कि मैं समोसे बनाऊं। समोसे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो मैं बहुत ही अच्छे कानपुर स्टाइल के समोसे बनाने जा रही हूँ। समोसा बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा। तो यहाँ मैंने एक परात में 4 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन ले लिए जो मैंने अपने हाथों से ही क्रश कर दिया है। इसके अलावा मैं ले लूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मोइन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 5 टीस्पून ऑयल। ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, इससे समोसे का जो ऊपर का लेयर है वो खस्ता बनेगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। यहाँ मैंने फिर से 5 टीस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि इसको मिक्स करते टाइम मुझे फील हुआ कि इसमें अभी भी थोड़ा सा मोइन कम है। मोइन को डालने के बाद में मैं फिर से इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते मैं थोड़ा सा अपने मुट्ठी में भर करके ये इस तरीके से गोले बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये गोला अच्छी तरीके से बन जाता है इसका मतलब परफेक्ट है मोइन, तो आगे हम इसको भूनने की प्रोसेस कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद में इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो मैंने इसका सॉफ्ट डो बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कम पानी डाला है, तो इस तरीके से थोड़ा कम पानी डाल करके मैं इसका एक सॉफ्ट लचीला डो बना लूँगी। डो बनकर बिल्कुल रेडी है, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ये ज़्यादा कड़क भी नहीं है। जब तक मैं समोसे के आलू का मसाला बनाऊंगी तब तक मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो रेस्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर चारों तरफ ऑयल लगा दिया है और एक सूखा कपड़ा जिसको मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया है उससे इसको ढक दिया है। अब मैं मसाला बना लेती हूँ। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 3/4 मैंने लाल मिर्च और ये कसूरी मेथी को मैंने अपने हाथों से थोड़ा सा फिर से क्रश कर दिया है। और 1 टीस्पून आप यहाँ पर नमक ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। आलू का मसाला बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और इंग्रीडियंट लगेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 4 आलू, 2 हरी मिर्च, अदरक, फ्रोज़न मटर और यहाँ पे ये द्राक्ष और काजू है और कोरिएंडर है और ये वो मसाला है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया। यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने पैन रख दिया है। पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल का यूज़ आप कम से कम करें, क्योंकि इसमें ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। यहाँ पर अब मैंने हींग डाल दी है और ये मैंने जीरा डाला है जो कि 1/2 टीस्पून है। इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लूँगी। जीरा थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून क्रश की हुई सौंफ डाल दी है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। समोसे के आलू वाले मसाले में सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये जो अदरक थी वो अदरक को मैंने क्रश करके यहाँ पे डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें भी यहाँ पे इसी वक्त मैंने ऐड कर दी है, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और इसी के तुरंत बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये फ्रोज़न हरे मटर, क्योंकि ये फ्रोज़न है तो मुझे इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको डाल करके मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। और इसके तुरंत बाद मैंने आलू डाल दिया है और आलू के साथ में ये सारे मसालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आलू को मिक्स करने के बाद में जो मेरा लास्ट स्टेप है वो ये है कि जो मसाले मैंने बनाए थे, जो ड्राई मसाले थे, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद में मुझे इसे बहुत अच्छी तरीके से आलू के साथ में मिक्स करना है, तो इसके कंटिन्यूस मैं ऐसे चलाते रहूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से आलू में मिक्स हो जाए। ध्यान रखें, इसको हमें ढक करके नहीं पकाना है, हमें इसको खोल करके ही पकाना है। मसाला बन जाने के बाद में मैंने उसमें यहाँ पर ऐड कर दिया है कोरिएंडर और यहाँ पर आटा भी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ समोसा। समोसे के लिए मैं इस आटे को सबसे पहले थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट कर लूँगी और इसके बाद में अब मैं बनाऊँगी इसकी पूरियाँ।
पूरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस साइज़ का ये पेंडा बना लिया है और इस पेंडे को मैं रोटी की तरह बेल करके गोल बनाऊंगी। लेकिन याद रखें कि समोसे के लिए जो हमें पूरी बनानी होती है उसको बीच में से हमें डिवाइड करना होता है, तो इसको पूरी तरीके से गोल नहीं बनाना है, हमें इसको गोल करना है लेकिन थोड़ा सा लंबा गोल करना है ताकि समोसे अच्छे बड़े बड़े बने और उसका शेप बिल्कुल अच्छा आए। तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है और इसकी थिकनेस इतनी रखी है और इसको मैंने ये बीच में से कट कर दिया। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो भी आटा है मैंने सारे का इस तरीके से पूरियां बना करके रख ली हैं। तो मैं जब भी समोसे बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं ये सारी पूरियां एक साथ में बना करके रख लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ, तेल गर्म होता है उतने में मैं समोसे भरना शुरू कर देती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि एक समोसा बनाया और एक समोसा तला, मैं हमेशा साथ में ही सारा सब कुछ बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं भरती जाती हूँ और समोसों को तलती जाती हूँ। तो समोसे को शेप देने के लिए सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से शेप दे दिया है, आपने देखा वीडियो में। अब मैं इसमें मसाला भर दूंगी और मसाला भरने के बाद में मैंने इसको पानी से हर तरफ से अच्छी तरीके से चिपका दिया है और इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, एटलीस्ट 1 मिनट रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। अगर मैं इसको तुरंत भर के तुरंत तेल में डाल देती हूँ तो इसके फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान रखें कि आप इसको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। तेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गरम होने के लिए रख दिया था, जैसे ही तेल एकदम गरम हो गया मैंने फ्लेम को लो कर दिया और लो करने के थोड़ी देर के बाद में मैंने समोसे ऐड करना स्टार्ट किया है। याद रखें आपको तुरंत ही तेल गरम करके और तुरंत ही उसमें समोसे नहीं डाल देना है, वरना समोसे फूटने लग जाते हैं और उसमें बबल्स उठ जाते हैं। अगर आपको बबल्स नहीं उठाने हैं तो आपको तेल को एकदम लो फ्लेम पे रखना है और उसके बाद में धीरे 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 उसको अपने हिसाब से पकने देना है। साथ में मैंने यहाँ पे बना ली है चाय और ये बन रहे हैं समोसे। तो समोसे और चाय आज के नाश्ते के लिए बिल्कुल रेडी है और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे और एकदम क्रिस्पी समोसे बने हैं। तो क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट समोसे बनकर तैयार हैं। अब हम करेंगे इसका नाश्ता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए समोसे बनाएँ, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।